हम दोनों मिलके कागज पे दिल पे चिट्ठी लिखे। भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनकी खूबसूरती और बड़ी बड़ी बोलती आंखों ने 1970 और 80 के दशक में दर्शकों को खूब लुभाया। परंपरागत देसी लुक वाली इस अभिनेत्री ने हिंदी फिल्मों की लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में सहनायिका की भूमिका करने लगी और इसके बाद धीरे धीरे फिल्मों से गायब होने लगी। इस अभिनेत्री का फिल्मी करियर जिस तरह से डावाडोल रहा, उसी तरह से इस अभिनेत्री का निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस एक्ट्रेस पर कपड़े बदलने की तरह पुरुष बदलने के आरोप लगने लगे। इस एक्ट्रेस पर कई एक्टर्स का घर तोड़ने तथा कई एक्टर्स को धोखा देने का आरोप लगा। इस अदाकारा ने फिल्मी जगत के कई लोगों के साथ संबंध बनाए। आखिर में एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के साथ गैर कानूनी तरीके से शादी की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही किसी बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ 70 और 80 के दशक की हीरोइन पद्मिनी कपिला की, जो कि अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण चर्चा में रही। इस वीडियो में हम जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पद्मिनी कपिला का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। उनके जन्म और बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पद्मिनी कपिला के पिता का नाम सोहन कपिला और मां का नाम रानी कपिला था। सोहन कपिला 50 के दशक के एक जाने माने अभिनेता थे और उन्होंने कई फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया। उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ था। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण पद्मिनी कपिला का झुकाव बचपन से ही अभिनय की तरफ था। घर पर फिल्मी हस्तियों का आना जाना भी था, जिस वजह से पद्मिनी को फिल्मों में काम करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। 1970 के दशक की शुरुआत में पद्मिनी लंदन गई और वहां से ब्यूटी ट्रेनिंग कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने वहीं की प्रसिद्ध पत्रिका द टेम्प्ट्रेस में काम करना शुरू किया और इससे उनको काफी फायदा मिला। जब वह 20-22 साल की थी तभी उन्होंने फिल्मों में डेब्यू कर लिया। ये थी 1973 में रिलीज हुई फिल्म इंतजार। मोहन सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने कड़े मिजाज वाली युवती शीला का किरदार निभाया था। ये कब की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप हमसे? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? अपने घर में मेहमान बनाकर कौन सा पाप कर दिया था हमने? इसके अगले साल 1974 में पद्मिनी की अगली फिल्म आई, वो मैं नहीं, जिसमें इनके साथ नवीन निश्चल ने काम किया था। उनकी फिल्मों में 1969 की चांद की दुनिया और एक अरमान मेरा और 1955 की 30 मार खान मुख्य रही। पद्मिनी का करियर अच्छा चल रहा था। 1976 में उनकी तस्वीर फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर छपी। अगले साल 1977 में उनकी दो फिल्में आई, खेल खिलाड़ी का और वीरू उस्ताद। उन्नीस सौ 1978 में उनकी एक फिल्म आई जिसमें इनके साथ एक बार फिर से नवीन निश्चल नजर आए। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखे। इस फिल्म में भले ही पद्मिनी कपिला का सेकंड लीड रोल था, लेकिन फिर भी कुछ हिट गानों की वजह से इनको पहचान मिली। उन्नीस सौ 1979 में इनकी दो हिंदी और दो पंजाबी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें और कौन और लड़के बाप से बढ़कर हिंदी फिल्में थी तो डेरा आशिकादा और कुंवारा मामा पंजाबी फिल्में रही, जो कि काफी हिट हुई। अगले साल यानी 1980 में उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इन फिल्मों में पद्मिनी कपिला की भूमिका सहनायिका की थी। कई फिल्मों में तो उनकी भूमिका बहुत ही छोटी रही। इन फिल्मों में द बर्निंग ट्रेन, नियत, जलमहल, बंदिश, रेड रोज और रामू तो दीवाना मुख्य हैं। उन्हें सुपरहिट फिल्म शान में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन दर्शकों ने उनको नोटिस नहीं किया। इसी तरह 1981 से 1999 के बीच इनकी कुल 19 फिल्में आईं, जिनमें ज्यादातर में इन्होंने या तो कैरेक्टर रोल किए या फिर काफी छोटा किरदार निभाया। इन फिल्मों में लावारिस, हमसे बढ़कर कौन, प्यार का राही, घुंघरू, मीठा जहर और मुलजिम जैसी फिल्में शामिल हैं।
उस समय तक आते आते पद्मिनी कपिला की उम्र काफी हो चली थी और साल 2000 तक वो माँ या मौसी की भूमिकाएं करने लगी। साल 2000 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई जिनमें हद कर दिया आपने, रेफ्यूजी, दीवाने, आगाज और चैंपियन शामिल थी। फिल्म रेफ्यूजी में पद्मिनी कपिला ने करीना कपूर की माँ की भूमिका निभाई थी और इसके बाद कोई दूसरी फिल्म नहीं की। हाँ, एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने फिल्मों के प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया और अपना प्रोडक्शन हाउस पीके प्रोडक्शन शुरू किया। मीठा जहर इस प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म थी। बता दें कि प्रकाश मेहरा ने इस काम में पद्मिनी की काफी हेल्प की। हालांकि पद्मिनी की माँ रानी कपिला को इन फिल्मों के प्रोड्यूसर के तौर पर क्रेडिट दिया जाता था। पद्मिनी की निजी जिंदगी और उनसे जुड़े विवादों की बात करें तो उन्होंने कई फिल्मी हस्तियों के साथ अफेयर किए और कई बार ये विवादों और आलोचनाओं का शिकार भी हुई। फिल्मों में काम करने के दौरान 70 के जाने माने एक्टर नवीन निश्चल के साथ पद्मिनी कपिला के अफेयर की खबरें सामने आईं। इस जोड़ी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था और इनकी नजदीकियां बढ़ गईं। तब नवीन निश्चल शादीशुदा थे और उनकी दो बेटियां भी थीं, पर पद्मिनी के इश्क में वो सब कुछ भुला बैठे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों के संबंध इतने गहरे हो गए कि साल 1976 में देवानंद की भांजी नीलू कपूर और नवीन का तलाक हो गया। लेकिन पद्मिनी कहां नवीन के साथ टिकने वाली थी। खबरों के अनुसार इस बीच पद्मिनी कपिला ने एक दूसरे शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर बनाया। वो थे उस दौर के मशहूर निर्माता प्रकाश मेहरा। इस तरह नवीन निश्चल ने जिस औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा, वही औरत किसी और के लिए नवीन निश्चल को छोड़कर चली गई। बता दें कि पद्मिनी कपिला ने प्रकाश मेहरा की कई फिल्मों में काम किया था। अपने फिल्मी कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए ही पद्मिनी कपिला ने प्रकाश मेहरा के साथ संबंध बनाए। लेकिन उस समय प्रकाश मेहरा शादीशुदा थे और पद्मिनी कपिला के साथ अफेयर की खबरों का असर प्रकाश के पारिवारिक जीवन पर भी पड़ा। कई बार उनकी पत्नी नीरा मेहरा की नाराजगी की खबरें सामने आईं, लेकिन इसी बीच पद्मिनी कपिला का नाम जुड़ने लगा जाने माने पटकथा लेखक सलीम खान के साथ, जिनके साथ पद्मिनी अक्सर देखी जाने लगी। इस रिश्ते की खबरें अखबारों में भी तूल पकड़ने लगी। बताया जाता है कि उस समय पद्मिनी कपिला कई बड़े बैनर की फिल्मों के साथ काम कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ फिल्मों के लेखक सलीम खान थे। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। वहीं एक्टर जावेद खान के साथ भी कुछ दिनों के लिए पद्मिनी का नाम जुड़ा, जिन्होंने इनके साथ कुछ फिल्मों में काम किया था। उसी दौरान पद्मिनी कपिला ने एक बयान देकर इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया कि 15 मई 1987 को पद्मिनी और प्रकाश मेहरा ने शादी कर ली है। लेकिन लोगों को तब सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ जब इसके ठीक 2 साल बाद 1989 में पद्मिनी कपिला ने सिंगापुर के एक बिजनेसमैन से शादी की और प्रकाश मेहरा को छोड़ दिया। लंबे वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में पद्मिनी के इश्क मोहब्बत के चर्चे होते रहे। उन पर कपड़े की तरह पुरुष बदलने के आरोप लगे। पद्मिनी कपिला उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी था और जिन्होंने फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर शुरुआत भी की, लेकिन कुछ गलत फैसलों की वजह से उन्होंने खुद ही अपना कैरियर बर्बाद कर लिया। इसके अलावा अलग अलग पुरुषों के साथ बार बार नाम जुड़ने की वजह से फिल्म निर्माताओं ने पद्मिनी कपिला को फिल्मों में लेना बंद कर दिया। यहां तक कि देवानंद और सुनील दत्त साहब ने भी कुछ फिल्मों के लिए इनको साइन किया था, लेकिन बाद में उन फिल्मों से इनको हटा दिया गया। इस तरह से पद्मिनी कपिला फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे लीड एक्ट्रेस से जूनियर आर्टिस्ट बन गईं और दर्शकों ने भी इन्हें भुला दिया। इसके बाद पद्मिनी फिल्मों से दूर हो गईं और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगी। पद्मिनी कपिला का एक बेटा है कृष्णा। पद्मिनी फिलहाल परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं। 2 साल पहले पद्मिनी कपिला एक इंटरव्यू में फुटबॉल को लेकर फिल्म बनाने की बात कह रही थी। हालांकि ये फिल्म बन पाई या नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। पद्मिनी कपिला की उम्र अब 70 साल से ऊपर की हो चुकी है और अभी भी वो खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखती हैं। तो दोस्तों, आप पद्मिनी कपिला के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास पद्मिनी कपिला से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।